हेलो माय डियर फ्रेंड्स, केमती अच्छे समस्ते? फ्रेंड्स मुझे नहीं सर सिद्धु आप समस्त वेलकम कर चैनल। फ्रेंड्स आम विभिन्न प्रकार भिडियो अलरेडी मिट करे, जमीक फर एक्जाम्पल इन्स्पेक्टर लीगल मेट्रोलोजी हो, ओएसएससीईटी हो, विभिन्न एक्जाम आम डिस्कसन करे। तो फ्रेंड्स आज फर्स्ट टाइम पर मुझे गोटे लेक्चर भिडियो नहीं आसी, नॉर्मली मुझे ओनली फेस भिडियो बनाऊ जो इनफर्मेशन दूसरी आक्स नोट मध्यम आपको ग्रुप से बुझाऊ। तो आज फ्रेंड्स मुझे भिडियो रखी आपको ईटीओ स्टूडेंट मैं मोर जो स्टूडेंट मैं अपकमिंग एग्जाम जो रिसेंटली बाहरी वैकेंसी तर तो फ्रेंड्स फुल एडवर्टाइजमेंट आसी तेनालीरें गोटे डिटेल भिडियो फ्रेंड्स कौन कौन सिलेबस रोहे कौन के अप्रोच करेंगे कमी पढ़े को बुक्स फॉलो करेंगे एवरीथिंग आम ये सेसन में डिस्कस कर। फ्रेंड्स ये भिडियोटा स्पेशली मोर जो डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट अच्छा मुझे बनाऊँगी। नेक्स्ट अगेन मुझे आईटीआई स्टूडेंट मैं जो मैंने अच्छा कारण तक डिफरेंट एग्जाम हम जो मैंने डिप्लोमा डिग्री करेंगे डिफरेंट एग्जाम हम। तो मुझे भिडियोटा ओनली डिग्री डिप्लोमा बनाई एगेन मुझे आप समस्त मोर जो आई टी आई स्टूडेंट मैं अच्छे फ्रेंड्स मुझे नहीं की आसमि। तो चलो तो स्टार्ट करवा डेरी न कर। न्यू रिक्रुटमेंट हिसाब से बाहरला ना। तो फ्रेंड्स अगेन जो इलेक्शन ओवर हो डेफिनेटली रिक्रुटमेंट आप समस्त आसो अलरेडी आम चैनल तरफ स्टार्ट कर प्रिपेरेशन। तो बहुत गुड़ा स्टूडेंट भी सही जॉइन करते आपन जब फ्रेंड जॉइन करा चाहते डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर अच्छे से कॉन्टैक्ट करके आपको क्वेरी भी पचारि पारे प्लस आपड़ा इच्छा से जॉइन भी करेंगे। तो चलते फ्रेंड्स विषय में डिस्कशन कर। तो फ्रेंड्स नंबर ऑफ वैकेंसी 250 पोस्ट फर्स्ट कथ एलिजिबिलिटी कौन रही फ्रेंड्स देखा। तो जो मैंने डिप्लोमा करते और डिग्री एनी ब्रांच प्रत्येक ब्रांच आप स्टूडेंट अप्लाई कर। नेक्स्ट एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस विषय किसी भी डिस्कस प्रीवियस 2016-18 तो स्पेशली डिप्लोमा स्टूडेंट मैं थ्री इयर्स एक्सपीरियंस दरकार जो फ्रेंड्स डिग्री कैंडिडेट अच्छा प्लस लिखे अर्थ हो वन इयर अधिका। तो वन इयर मिनिमम रिक्वायरमेंट जब वन इयर आहरी अधिक अच्छे दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर यू। ओके एंड फॉर डिप्लोमा थ्री इयर्स इज मिनिमम थ्री इयर्स जब अधिक अच्छे दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड फॉर यू। सो दिस इज द फ्रेंड्स वैकेंसी 250 पोस्ट एलिजिबिलिटी डिग्री और डिप्लोमा स्टूडेंट जे कौन से ब्रांच सीएससी सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनी ब्रांच यू कैन अप्लाई। एक्सपीरियंस फॉर डिप्लोमा थ्री इयर्स एंड फॉर डिग्री दिस इज वन इयर। तो ये फ्रेंड्स आम एलिजिबिलिटी विषय जानले एटीओ विषय फ्रेंड्स पोस्ट तो ये कौ डिफरेंस मिले चाकरी जॉबटा आप समस्त मैंने जानते हैं आईटीआई कॉलेज कहार अभ्यसित गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट तो प्रत्येक गवर्नमेंट फ्रेंड्स जो आईटीआई कॉलेज रही भितर आपको एटीओ पोस्ट एटीओ मीन असिस्टेंट ट्रेनी ऑफिसर। असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर हिसाब से जॉइन करेंगे एंड अगेन 3-4 इयर्स पर आपर प्रमोशन होटा कि आप ट्रेनिंग ऑफिसर हिसाब से गवर्नमेंट आई टी कॉलेज मानक पोस्टिंग पाए। तो फ्रेंड्स ये पोस्टिंग विषय तरह वैकेंसी विषय एलिजिबिलिटी विषय एक्सपीरियंस विषय
चैप्टर फ्रेंड्स भी डिस्कस करिया तर एग्जाम पैटर्न विषय केमते एग्जाम होय केते मार्क होय केते होय कोन कोन सिलेबस एतरे इंक्लूडेड होय से विषय डिस्कस करिया। फर्स्ट डिफरेंस है रिटन एग्जामिनेशन, सेकंड है करियर एवलुएशन, थर्ड है पर्सनल इंटरव्यू। तो फ्रेंड्स करियर जो ये रही रिटन है फ्रेंड्स 100 मार्क्स, करियर एवलुएशन फ्रेंड्स अप टू 60 मार्क्स, पर्सनल इंटरव्यू ओनली 10 मार्क्स। तो ए बेसिस रे फ्रेंड्स यदि मैं देखियो जीबी फर्स्ट रिटन एग्जाम जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, रिटन एग्जाम फ्रेंड्स वन स्कोर करते दी तो डेफिनेटली पोस्ट पे पाइवर अपन को चांस पड़ेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स करियर बा करियर इवैल्यूएशन मन फ्रेंड्स एठी आपन ओनली टेक्निकल जो एग्जाम थिबो सेटा को ही कंसीडर कराबो। फॉर एग्जांपल यदि आपन डिप्लोमा कैंडिडेट डिप्लोमा आपन को एजुकेशन को ने हबो, यदि आपन डिग्री कैंडिडेट आपन डिग्री जो एजुकेशन में क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन रहि छी ताको एठी करियर इवैल्यूएशन से ने हो। आज डिफरेंट ए दिटा रे आपन शॉर्टलिस्ट हो जंदी फाइनल आपन नाम हो छी पर्सनल इंटरव्यू जरे मात्र 10 मार्क तो उन्हें जनरल इंटरव्यू आपने वही रही हो, देन आपने मेरिट लिस्ट प्रिपेयर रख दो। तो ये हो चुके हैं शूटर वाले सिलेक्शन प्रोसीडियर, तो आपने केवी थी वैसे इसलिए आपने उनको रख दो। तो चाहे हम देखें कि डिस्कस करें रिटेन एग्जाम विषय। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी हमें जानी चाहिए रिटेन हो चाहिए 100 मार्क्स। तो फ्रेंड्स यार सब बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चाहिए नो नेगेटिव मार्किंग, कौन से नेगेटिव मार्क आप अपन को रही बोल नहीं। नेक्स्ट 100 एमसीक्यूज फ्रेंड्स 100 रही बोल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स जब देखिए कौन-कौन सिलेबस रही थी, सिलेबस रही थी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सिलेबस ऑफ एससीटीईटी। तो हम समस्त रूपे जाने छी कि हम ओडिसा रे डिप्लोमा आईटी कंप्लीट करे एससीटीईटी। तो एससीटीईटी रे फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर रे जहां भी कोर्स रही छी डिप्लोमा स्टूडेंट मन सही कोर्स से आपन को एते प्रिपेयर करे पड़ेगो। तो डिप्लोमा रा फर्स्ट ईयर सिलेबस ऑफ एससीटीईटी। तो फ्रेंड्स देखिबा कोन है फर्स्ट ईयर सिलेबस रही छी डिप्लोमा एससीटीईटी रा। तो मैं सब्जेक्ट और नाम फ्रेंड्स को रफ कर दूसरी देखी दिखु सब्जेक्ट और रिटेन एग्जाम। रिटेन एग्जाम कौन कौन सिलेबस रही विषय में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट फ्रेंड सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो फ्रेंड आप समस्त मैंने पढ़ी थे दीटा सेमिस्टर फर्स्ट पढ़ी थे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। तो दीटा जाक फ्रेंड्स इनक्लूड रही है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 भी। नेक्स्ट फ्रेंड आसो आपन इंजीनियरिंग फिजिक्स।
आसिबो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री ओके फिफ्थ रखने आसिबो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मैकेनिक्स में डेफिनेटली आपन पढ़ते हैं फर्स्ट टर्म रे सेकंड टर्म रे सिक्स प्रेफरेंस आपन को आसिबो बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एसी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फाइव प्रेफरेंस आसिबो आपन को कंप्यूटर एप्लीकेशन देन फ्रेंड्स आसिबो नंबर 8 कम्युनिकेटिव इंग्लिश फ्रेंड्स दीज आर द सब्जेक्ट्स यू नीड टू प्रिपेयर फॉर एटीओ 2022 तो फर्स्ट क्लास रे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अपना सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 एटा फ्रेंड्स आपण फर्स्ट सेमेस्टर रे पढ़िथिबे देन एटा आपण सेकंड सेमेस्टर रे पढ़िथिबे देन फॉर इंजीनियरिंग फिजिक्स फर्स्ट अदर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर रे आपण पढ़िथिबे केमिस्ट्री भी आइदर फर्स्ट रे नहले सेकंड सेमेस्टर रे पढ़िथिबे मैकेनिक्स भी फ्रेंड्स समझिया आप आइदर फर्स्ट रे नहले सेकंड रे पढ़िथिबे बेसिक इलेक्ट्रिकल रेफरेंस फ्रेंड कंबाइंड सब्जेक्ट फर्स्ट नहले सेकंड सेमेस्टर पढ़ते कंप्यूटर एप्लीकेशन आपण फर्स्ट नहले सेकंड सेमेस्टर पढ़ते कम्युनिकेटिव इंग्लिश आपण डेफिनेटली फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ते तो ए सब सब्जेक्ट्स को लेके फ्रेंड्स आपण को टोटल जो हम 100 एमसीक्यू रहिला ए सब सब्जेक्ट को लेके इंक्लूडेड आपण को ए सब सब्जेक्ट को लेके ही आपण को एमसीक्यू सब इंक्लूड करे तो जितने आप फ्रेंड्स प्रिपेयर करवा एसजीपीटी सिलेबस देखार अच्छे सिलेबस अनुसार ही आपको प्राक्टिस करार अच्छे आपको सिलेबस बाहर जबार कौन भी आवश्यकता ना जमीक फ्रेंड्स जो इंजीनियरिंग फिजिक्स रही फ्रेंड्स प्लस टू बेस्ड फिजिक्स किंतु बहुत पिला ही आगे इंजीनियरिंग फिजिक्स भाविक सिलेबस पढ़ते जो एक्जाम को जाते कौन से क्वेश्चन पाते तो फ्रेंड्स मन रखुद ये जो इंजीनियरिंग फिजिक्स अर्थ हो प्लस टू जो काउनसिल रही बहर ही फिजिक्स इनक्लूड कैसे कौन से इंजीनियरिंग फिजिक्स ना ठीक सब फ्रेंड्स इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आप जब प्लस टू केमिस्ट्री देखिए सेम सिलेबस फ्रेंड्स एटी रही है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री मैंने फ्रेंड्स एगे जो आप बीटेक करेंगे फ्रेंड्स गोटे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सब्जेक्ट था तो सागर फ्रेंड्स यार कौन भी रिलेशन ना दिस इज प्योरली प्लस टू साइंस केमिस्ट्री एंड दिस इज अल्सो प्योरली प्लस टू साइंस फिजिक्स हाँ मेकानिक्स फ्रेंड्स ये अलग यार कौन से प्लस टू साइंस लिंक ना यहाँ ओनली आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग रखा है ठीक से बेसिकली डिप्लोमा में इंग्लिश कंप्यूटर कंप्यूटर भितर फ्रेंड्स एगे सी प्रोग्रामिंग भी इनक्लूड अच्छे आप मन रखु कारण जो एग्जाम होता है बहुत गुड़ा सी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आसाला नियरली 5 to 6 क्वेश्चन आसाला तो सी प्रोग्रामिंग फ्रेंड्स कंप्यूटर एप्लीकेशन भर में इनक्लूड अच्छे तो आप टाइप फ्रेंड्स प्रिपेयर कराया पड़ो जब आप भल स्कोर रखा चाहते तो ये फ्रेंड्स थी आप प्रिपेरेसन स्ट्राटेजी विषय में गोटे लेक्चर भिड बुझेल कारण डिटेल आपर गोटे सेटअप माइंड करेंगे आज हिसाब से निजर प्रिपेरेसन करेंगे जदि फ्रेंड्स प्रिपेयर करना असुविधा होती है नोट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसी भी दरकार डेफिनेटली इंजीनियरिंग सॉल्यूशन चैनल को जॉइन करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड्स ऑल कांटेक्ट नंबर ईमेल आईडी टेलीग्राम नंबर अवेलेबल अच्छी आप कांटेक्ट करूँ आपको फ्रेंड्स नहीं प्रिपेरेशन स्टार्ट करते फ्रेंड्स एवं जहाँ भी बहुत स्टूडेंट एडवर्टाइज न आस प्रिपेरेशन स्टार्ट करेंगे तो आप भी जल्दी जल्दी जाकर प्रिपेरेशन स्टार्ट करते तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे आल्सो गेट benefited from this video and if you have any query feel free to contact me on Telegram. Thank you. See you next time.